दोस्तों आज की वीडियो में पेश है लड्डू बनाने के 101 बढ़िया और बेहतरीन ऐसी छोटी बड़ी और बजट फ्रेंडली लड्डू मेकिंग मशीन, जिसे आप भी आसानी से खरीद सकते हैं। बात की जाए मोतीचूर लड्डू की, तो उसके लिए सबसे पहले बूंदी बनानी पड़ती है, जो कि काफी मेहनत भरा काम है। और उसके लिए पेश है ये ओम इंजीनियरिंग कंपनी की बूंदी मेकिंग मशीन, जो कि काफी बढ़िया वर्क करती है। इसमें आपको स्पीड कंट्रोल करने का सिस्टम भी दिया गया है। ऊपर की ओर दिए गए कंपार्टमेंट में बैटर को डाल देना है और मशीन को स्टार्ट कर देना है। अब मशीन में आगे की ओर दिए गए नॉब से धीरे धीरे बैटर नीचे दिए गए धारे में गिरता रहेगा और जो धारा दिया गया है वो कंटिन्यूस अप डाउन करता रहता है, जिससे बूंद बूंद बैटर कढ़ाई में फ्राई होने के लिए नीचे गिरते रहते हैं। दोस्तों इस जारे की साइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको कितने साइज में बूंदी बनानी है। अभी इसमें 0 नंबर का सेट किया है, तो आपको 0 नंबर की बूंदी देखने को मिलेगी। दोस्तों मशीन ज्यादा बड़ी नहीं है, इसकी लेंथ 2 फीट, विड्थ 2 फीट और हाइट सिर्फ 5 फीट है और लगभग 30 लीटर की इसकी मटेरियल कैपेसिटी है, तो आप एक ही बार में 30 लीटर बैटर डाल सकते हैं। दोस्तों इस मशीन में क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मूविंग फीचर दिया गया है, तो जैसे ही आपकी कढ़ाई बूंदी से भर जाए तो आप इस मशीन को स्टॉप करके आसानी से इसे लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं। अभी आप यहां देख सकते हैं कि बूंदी किस तरह से फ्राई हो रही है। जैसे ही बूंदी फ्राई हो जाए तो इसे कुछ इस तरह से निकाल लेना है। अभी आप देख सकते हैं 0 नंबर की बूंदी बनकर एकदम तैयार है। आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं। बूंदी तो तैयार हो गई और अब इसका लड्डू बनाने के लिए पेश है ये दुनिया की सबसे छोटी लड्डू मेकिंग मशीन, जिसे RMS टारगेट मशीन द्वारा बनाया गया है। दोस्तों ये मशीन छोटी जरूर है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे में 1900 लड्डू बना लेती है। जी हाँ बिल्कुल, 1900 लड्डू। आपको बस ऊपर में मिक्सर डाल देना है और ये मशीन साँचों की मदद से लड्डू बना देती है। इसकी थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग नहीं आ रही है उसे आप हाथों से घुमा देंगे तो एकदम गोल मटोल लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। मशीन छोटी जरूर है, लेकिन आप इसकी स्पीड देख सकते हैं कि किस तरह से स्पीड में ये लड्डू बना रही है। ये तो हो गई छोटी मशीन, अब जरा इससे बड़ी मशीन देख लीजिए, जिसे जय भवानी इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। ऊपर में मिक्सर डालने के बाद मशीन स्टार्ट करते ही सबसे पहले ये मशीन मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल में कटिंग कर देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर बाहर निकल रहा है और छोटे छोटे बॉल में कटिंग हो रही है। लड्डुओं को राउंड शेप देने के लिए मशीन के अंदर ही राउंडर दिया गया है, तो जैसे ही लड्डू राउंड हो जाते हैं तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं बिल्कुल गोल लड्डू निकल रहे हैं। इन सभी लड्डुओं का साइज आपको एक समान मिलेगा और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी कटिंग बिल्कुल एक समान हो रही है। इसकी पूरी बॉडी SS मटेरियल से बनी है, जो कि फूड मटेरियल के लिए काफी अच्छा होता है और ये सालों साल आराम से बिना दिक्कत के चलेगी। वैसे लड्डू सभी एकदम बराबर साइज के हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जब हम हाथों से लड्डू बनाते हैं तो उनका साइज कम ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक समान लड्डू मिलने वाले हैं। ये मशीन ऑटोमेटिक वर्क करती है, तो आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं और ना ही किसी एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। कोई भी व्यक्ति इस मशीन को आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इस मशीन से रोजाना 400 से 600 किलोग्राम तक के लड्डू बना सकते हैं। आगे हम और भी एडवांस मशीन दिखाएंगे। अभी आप लड्डू की क्वालिटी देख सकते हैं। इस मशीन से सिर्फ मोतीचूर ही नहीं बल्कि बेसन, बूंदी या फिर जिसका भी आप लड्डू बनाना चाहे वो आप इससे बना सकते हैं। आइए अब हम आपको इससे भी एडवांस मशीन दिखाते हैं, जो कि जय भवानी इंजीनियरिंग कंपनी का एक और इनोवेशन है। ये मशीन एडवांस क्यों है ये आपको आगे पता चलेगा, तो बस तैयार मिक्सचर को या इस ऊपर में डाल देना है। इसकी कैपेसिटी 6 किलोग्राम की है, तो आप एक समय में 6 किलोग्राम तक का मिक्सचर डाल सकते हैं। ये बॉल कटिंग मशीन है, तो सबसे पहले छोटे छोटे पीस में कट करती है। कटिंग होने के बाद लड्डू डायरेक्टली कन्वेयर बेल्ट पे गिरते हैं और इसके आगे आप देखिए यहाँ पर राउंडिंग मशीन लगी है, जो बिल्कुल राउंड शेप के लड्डू बना रही है और कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये लड्डू डायरेक्टली ट्रे में आ रहे हैं। अब इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। आपको इसकी फिनिशिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आप देख सकते हैं सभी लड्डू की क्वालिटी बिल्कुल एक समान है। चलिए लड्डू खोल के दिखाते हैं। इसमें आपको क्वालिटी एकदम जबरदस्त मिलने वाली है। मशीन काफी स्पीड में वर्क करती है और साइज वगैरह एडजस्ट करने का पूरा ऑप्शन आपको दिया गया है। दोस्तों इसमें आप 4 ग्राम से लेकर 60 ग्राम तक के लड्डू बना सकते हैं। और बात करें इसके प्रोडक्शन की, तो ये मशीन हर एक मिनट में 35 से 70 लड्डू बनाकर तैयार कर लेती है, तो सिर्फ 1 घंटे में लगभग 4000 लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। दोस्तों इस मशीन को हमने एडवांस इसलिए कहा क्योंकि ये मशीन मल्टीपर्पज मशीन है, तो इसमें सिर्फ लड्डू ही नहीं बल्कि पेड़ा,
गुलाब जामुन, रसगुल्ले और भी कई सारे तरह की मिठाइयाँ आप इसमें बना सकते हैं। अब जरा इस लड्डू मेकिंग मशीन को देख लीजिए, जिसे द वन किचन इक्विपमेंट कंपनी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, ये मशीन बजट फ्रेंडली है और साथ ही साथ इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एकदम बेहतरीन है। बहुत बड़ा मशीन नहीं, एकदम कॉम्पैक्ट साइज है। बात करें इस मशीन की तो इसकी लेंथ 58 इंच, विड्थ 26 इंच और हाइट सिर्फ 42 इंच है, तो ये कहीं पर भी कम जगह में आसानी से आ जाएगी। और यदि आप चाहे तो घर से ही इस मशीन से लड्डू बनाकर मिठाई की दुकान या फिर होटल में सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑन ऑफ स्विच दिया है, यहाँ से मशीन स्टार्ट कर देनी है। इसकी पूरी बॉडी SS मटेरियल से बनी है, तो क्वालिटी आपको एकदम बढ़िया मिलने वाली है। यहाँ ऊपर हुपर दिया है, जिसमें मिक्सचर डालने के बाद सबसे पहले मशीन बॉल की कटिंग करती है। नीचे दो रिवॉल्विंग ग्राउंडर दिए हैं, जो लगातार घूमते रहते हैं। जो भी बॉल कट होकर इसमें गिरते हैं, वो राउंड शेप में होते हुए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर मशीन की वर्किंग आप देख सकते हैं। जैसे ही मिक्सचर बाहर आता है, तो ऊपर लगे प्लेट से एग्जैक्ट साइज में इसकी कटिंग हो जाती है। उसके बाद ये डायरेक्टली नीचे राउंडर में आ जाता है और एकदम गोल शेप में लड्डू बनकर आगे की ओर निकल रहे हैं। मशीन के साथ डिजिटल पैनल दिया है, जिससे लड्डुओं की काउंटिंग हो जाती है। दोस्तों, मशीन ज्यादा हेवी नहीं है, सिर्फ 157 किलोग्राम की ये मशीन है और इसमें 1.5 HP का मोटर लगा हुआ है, तो ये काफी पावरफुल मशीन रहने वाली है। इसमें आप सभी तरह के लड्डू जैसे बेसन, मगज, बूंदी आदि इस मशीन से बना सकते हैं। यहाँ पर जो ये राउंडर दिया है, इससे काफी अच्छी क्वालिटी के लड्डू तैयार होते हैं और इसकी फिनिशिंग तो आप देख ही सकते हैं। काफी बढ़िया लड्डू इस मशीन से मिलने वाले हैं, जो कि सिर्फ हाथों से मिलना नामुमकिन है। बात की जाए इसके प्रोडक्शन की, तो इस मशीन से आप एक घंटे में 1500 लड्डू बना पाएंगे। दोस्तों, अभी जो हमने ये सभी मशीन दिखाए, ये सभी अलग अलग कंपनियों के मशीन से, तो सभी कंपनियों के नाम और कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में भी दिए है। तो जिस भी मशीन की जानकारी आपको चाहिए, उसी कंपनी को कॉल करके मशीन के बारे में पूछिए, इससे किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों, वैसे हमने इससे पहले मंचूरियन, समोसा, नमकीन जैसे कई सारे वीडियो बनाए, वो भी आप एक बार देख लीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।